गुरु प्यारी सत संग जी तुखारी राग सी और गुरु नानक पातशाह जी साढ़े ते इस राग की बख्शिश है। सूफिया ने भी इस राग नू वरत्या पर गुरु साहब तो बाद विच 12वां दी बाणी गुरु नानक पातशाह ने राग तुखारी विच सानू प्रदान कीती, जिस अनुसार वक् वक् जिहड़े महीने ने उन्हां दा वर्णन है। इस तरह ही राग माझ दे विच पंचम पातशाह ने साढ़े ते 12वां दी बख्शिश कीती। आओ एक होर अप्रचलित राग है, राग मारू। इस राग नू बहुत ही घट गाया जांदा और मारू दे तीन स्वरूप जिहड़े ने साडे संगीत विच प्रचार विच ने, बिलावल थाट दा मारू है और मारवा राग जिहड़ा भारतीय संगीत विच प्रचार अधीन है, उस नू भी कई मारू ते मारविका दे नाम नाल और पूर्वी थाट दे विच भी मारू दा एक स्वरूप है, पर जो गुरमत संगीत विच प्रवाणित है। मैं 2 मिनट जरूर गल करनी चाहवांगा। आम करके साडे मनां दे विच सवाल आउंदा है, सारे अध्यापक साहिबान बैठे ने इस वेले, पिछले 12-15 सालां दे विच जिहड़े रागां दे स्वरूप असीं स्टैंडर्डाइज़ कीते और जिसनों साडी सिरमौर सिख संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी मानता दित्ती, जिवें हुण पहलां तुसीं मल्हार दा स्वरूप सुनिया है शुद्ध गंधार वाला, या बसंत असी पूर्वी नहीं गाते, बसंत असी शुद्ध सुरां वाली बसंत गाते हैं। ये क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो राग साड़ी परंपरा दे ज़्यादा नेड़े ने। एक एक राग दे दो दो तीन तीन चार चार स्वरूप भी मिलते हैं, वो भी साड़ा सरमाया है जो एक तो वधीक किसी राग दे स्वरूप सानू मिलते हैं। पर असी गुरमत संगीत परंपरा विच, शब्द कीर्तन परंपरा विच उन्हां रागों का गायन करते हैं जिहड़े साडे कीर्तनीए करदे रहे। सब तो प्राथमिक साडा जदों राग निर्णायक कमेटी बनी अदुती गुरमत संगीत सम्मेलन करवाण दे लई 1991 दे विच, उस विच आलमोस्ट सारे ही वड्डे वड्डे संगीतकारां ने कीर्तनकारां ने भाग लिया और संत बाबा सुच्चा सिंह जी जवधी टकसाल दे सन्मुख जदों इह सी कि सारे असी कीर्तनियां दे कोलों इह राग गवाउणे ने, तां उस वेले सब तो वड्डी जिहड़ा चैलेंज उह इह सी किहड़े राग सरूप गवाउणे ने, और उस वेले राग नायक कमेटी ने उन्हां रागों की चोण की।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਸਿੰਘ ਬੰਧੂ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਤਲ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗਾਜ ਨੇ, ਮੇਨ ਰਾਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪੰਡਿਤ ਦਲੀਪ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ